कोई तकलीफ रखी थी और मेरे वक्त का इमाम उस पर आया, क्या सफाई है किसी के पास? तो मेरे घर पर कोई तकलीफ रखी थी, मेरे वक्त का इमाम उस पर आया, लेकिन पूरे वक्त के इमाम ही पूरे घर ले आता। अगर हुसैन के रोने बैठ जाओ तो सब आए। मशहूर है और मजलिसों पर पढ़ी जाती है और पिछले से गुज़िश्ता से
इस पेपर से इस आयत को पढ़ता हूँ सन्नाटे में नहीं लिखी एक मरीज पे और इस पर कुछ देर रुकू की थी अब यह श्रेय का उमान लेकिन अब इसके बाद का टुकड़ा सुनिए और इस पस मंजर में उस टुकड़े को मेरे नौजवान दोस्त और बच्चे समझने की कोशिश करें दूर का बैटेलिज्म शराब है शराब फालूस कलदील में है कलदील फालूस में है जैतून के तरफ से रौगा मिल रहा है और दरब कैसा है कि जिसका छतलार है कभी शर्क है अर्ब है बोले उसकी छाव है यका एक बुबक करीब है कि फिर आप चिलमिला उठे और रोशनी भी ऐसी है कि आग लगी है नूर पे नूर है यह दिल्लाहु लनूर ही मैयशा अल्लाह जिसकी चाहता है इस नूर की तरफ इलाह हर शय का जानने वाला
अच्छा अलिफ का तर्जमा वैसे तो यही है कि डालने वाला है, लेकिन एक लग और लगाऊंगा तर्जमा बिल्कुल वाज हो, अल्लाह हर शय का खूब जानने वाला। अच्छा ये टुकड़ा जरा मेरे बच्चे, इस पे भी मैं बात करूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन इस टुकड़े पर जरा मेरे बच्चे एक और तरीके से गौर कर ले, और वो ये है कि एक तरफ कुरान ये कह रहा है अल्लाह ही कह दे कुल शय, कोई शय बाहर को नहीं है ना। एक तरफ कह रहे कि अल्लाह हर शय का खूब, दूसरी तरफ क्या कह रहे कुल शय हर शय नाउ फी इमाम कुबीर। एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह हर शय का खूब जानने वाला, दूसरी तरफ कह रहा है कि अपने हर शय का एहसास कर दिया इमाम मुबीन में। जाहिर है कि जब ऐसा इमाम मुबीन में कर दिया है तो इमाम मुबीन को शय से जाहिल तो नहीं रखा। और पहले कभी किसी पेपर में यह बात कही थी कि रुमाल मैंने शेरवाली की जेब में रख लिया तो रुमाल और है, मैं और हूं शेरवाली और है। रुमाल मैंने शेरवाली की जेब में रखा तो मैं और हूं, रुमाल और है, शेरवाली और है। कुल नशाइला हसैला हो भी इमाम मुबीन, अपने हर शय का ऐसा इमाम मुबीन में कर दिया है, हर शय का ऐसा तो इमाम मुबीन और है, शय और है, हम और है। इसका मतलब है शय इमाम मुबीन नहीं होता, इमाम मुबीन शय नहीं होता। तो समझेगा वो समझेगा जिस पे शय का इतलाक हो वो इमाम नहीं हुआ करता। जाजा कौ कभी गुर्री